चलिए, सबसे पहले तो बाहर गए थे, वहां बहुत सारे लोग थे, ठीक है। जो ऑफिस था आरआरबी पटना, उसके बाहर बहुत सारे लोग थे। तो बाहर से कुछ एक ऑफिसर आए, अंदर से एक ऑफिसर आए चेयरमैन ऑफिस से। वो कुछ कुछ कंसर्न सुन रहे थे और सबका रिप्लाई दे रहे थे, ठीक है। और किन्हीं का माइक बहुत साउंड कर रहा है। माइक, अरे माइक का बात कर लो ना, म्यूट कर दो, जिसको बोलना होगा फिर हाँ अनम्यूट कर दो। हाँ, देखिए, तो अंदर से एक ऑफिसर आए जो सबका आंसर दे रहे थे। तो उधर हम भी कुछ क्वेश्चन रेज किए, जो आप रिकॉर्डिंग में सुन रहे होंगे वो बाहर का है। अभी कुछ देर पहले कोई रिकॉर्डिंग शेयर किए थे, वो बाहर का है। तो इसके बाद फिर अंदर से चेयरमैन सर बोले कि कुछ लोग को, 4-5 लोग को अंदर लेके आइए ऑफिस, जिसमें उसका उसको सारा कंसर्न बता दिया जाएगा, सॉल्यूशन वो बाहर आके शेयर कर देंगे सबसे। तो उसमें हमको भी बुलाया गया, और 4 लोग और थे, 5 लोग और थे, 6 लोग को बुलाया गया था। अच्छा, तो अंदर गए, और अंदर A to Z जितना भी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सब कुछ क्लियर किया गया। सबसे पहला तो हम ये क्वेश्चन किए थे, वो तो आप सुने ही होंगे रिकॉर्डिंग में, कि अगर Level 2, 3, मतलब सॉरी Second DV, Third DV ऐसे करके अगर बुलाया जाए तो बहुत लेट हो जाएगा। तो वो बोले चेयरमैन सर कि इसीलिए हम लोग सोच रहे कि पहला डीवी के बाद ही बुलाया जाएगा Level 5 वाले को। अच्छा, और ऐसा भी हो और सकता ऐसा है भी हो सकता है साथ में साथ में सेकेंड डीवी दे दिया जाए Level 6 वाले का, ठीक है। और सेकेंड डीवी में ज्यादा चांस रहेगा कि सेकेंड डीवी में सीट फिल हो जाएगा। अगर नहीं होता ऐसा तो सबसे लास्ट में, जब सारे लेवल का फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो जाएगा, पैनल कंप्लीट हो जाएगा, तब दिया जाएगा आगे का डीवी। तो हम लोग का और डेट शीट बताया गया कि Level 5 का 4th वीक ऑफ नवंबर, नवंबर का वाह, 4th वीक में रिजल्ट आ जाएगा। और मेडिकल जैसा ही कंप्लीट होता है उसके 10 दिन के अंदर पैनल बन जाएगा Level 6 का। तो अच्छा, मतलब 10 दिन के अंदर पैनल बना देगा मेडिकल कंप्लीट हाँ। होने के बाद। और सारा Level 5 का जो रिजल्ट आएगा सारा जो तो नवंबर का, मतलब तो दिसंबर से स्टार्ट होगा हम लोग का डीवी। हाँ, हम लोग का डीवी दिसंबर से स्टार्ट होगा। और क्या बताया था सुफियान भाई? अगर सेकेंड डीवी जो होगा वो पूरा लेवल का बनने के बाद होगा। नहीं क्या बोल रहे हो, मतलब नहीं समझ आ रहा है। बोल रहे कि जैसे कि सेकंड डिग्री का जो बात बोले हो वो प्रत्येक, मतलब कि Level 2 का पैनल बन जाने के बाद सेकंड डिग्री होगा या प्रत्येक लेवल जी के बाद होगा? Level 6 का सेकंड डिग्री पहले हो सकता है, लेकिन बाकी लेवल्स का सेकंड डिग्री बाद में होगा। यानी कि 6 का अगर डिग्री चाहे तो 5 के साथ, मतलब सेकंड डिग्री 5 के साथ हो सकता है। 5 का फर्स्ट डिग्री और सेकंड का सॉरी 6 का सेकंड डिग्री हो सकता है एक साथ। अभी इस बात पे क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये बात क्लियर है कि फर्स्ट डीवी के बाद ही Level 5 का वो दे दिया जाएगा। फर्स्ट डीवी के पैनल के बाद Level 5 का रिजल्ट दे दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि जितना सारा जोन जो है वो सारा एक साथ रिजल्ट निकालेगा क्या, Level 5 का जो रिजल्ट है? नहीं, वो आरआरबी पे डिपेंड करेगा। क्या यह बात सही है कि पहले Level 6 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले का पैनल जारी होगा? वो प्रेफरेंस का कोई वैल्यू नहीं है। वहां पे क्लियरली चेयरमैन साहब ये बोले कि अगर आपका मार्क्स ज्यादा है और प्रेफरेंस आप 13 नंबर पे भी देते हैं लास्ट पे, तो पहला हक आपका बनता है उस पोस्ट के लिए, तो उस पे आपको पहले सीट दिया जाएगा। प्रेफरेंस किसी का कुछ भी है उससे कोई बात नहीं है। मेडिकल नहीं ले रहा। हाँ, और वो चेयरमैन चेयरमैन साहब ये भी बोले, वहां पे एक लड़का था जो बोल रहा था कि मेरा 0.5 कम है Level 6 में, अगर सबको प्रेफरेंस वाइज बुलाया जाता तो मेरा तो हो जाता। तो वहां पे क्लियरली सर बोले कि जिसका जिसका हुआ है, किसी का ऐसा है जो आपसे कम मार्क्स का हो? तो बोला नहीं। तो बोला कि पहला हक उसी का बनेगा जिसका आपसे ज्यादा मार्क्स हो। तो उसका प्रेफरेंस से ये मतलब थोड़ी है कि उसको वो पोस्ट नहीं चाहिए। उसको ये प्रेफरेंस इसीलिए लिया गया था कि पहले कौन सा चाहिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, वो तो एकदम क्लियर था पहले से। यार मेरिट तो पहले देखेगा ही भाई, मेरिट पहले कैसे, वो तो प्रेफरेंस तुम्हारे पसंद के पोस्ट के लिए। रेलवे के पास सही एक उपाय ही है कि लेवल वाइज बुलाएगा तो रिजल्ट बन ही नहीं सकता है ऐसे। लेवल वाइज अगर नहीं बुलाएगा तो उसका रिजल्ट देना संभव है। ये भी हो सकता है, हम देखिए हम लोग मतलब मेरा एक रिकॉर्डिंग भी अंदर का हम रिकॉर्डिंग किए थे, तो वो सब शेयर करेंगे धीरे धीरे अभी काट छांट के। देखिए उसमें ये है कि एक एक कंसर्न ये पूछे थे कि अभी मान लीजिए अभी रिजल्ट ये भी तो दे सकता था कि जो यूनिक कैंडिडेट को बुला ले और सबका डीवी मेडिकल एक साथ ले ले,
और फिर पैनल अपना बनाए तब जल्दी होगा क्या। तो वो ये भी एक्सेप्ट किए कि हम लोग इस बारे में भी सोच रहे हैं कि सब का हो सकता है एक साथ भी दे दिया जाए, लेकिन अभी प्लानिंग ये बना है कि लेवल 5 का पहले दिया जाएगा। रेस्पॉन्स शीट कब तक आएगा? टाइपिंग का रेस्पॉन्स शीट नहीं दिया जाएगा, वो जब रिजल्ट आएगा तब दिया जाएगा। टाइपिंग का मैनुअली चेक कर रहे हैं अभी? टाइपिंग का कॉपी चेक हो रहा है। और हाँ, वहां पे अंदर में जान रहे हैं बहुत तेजी में काम चल रहा था अंदर में, बहुत सारा जो पेपर हम देखे थे, हम थोड़ा देखते जा रहे थे, वो सब हम लोग का जो सारा लेवल का जितना भी डीवी है, सॉरी वो है एडमिट कार्ड का नीचे वाला पोर्शन सारा रखा हुआ था वहां पे, सब कुछ साइन मोहर किया हुआ था, सब अलग अलग वो लोग छाट रहा था बोर्ड में। कब तक चांस बना रिजल्ट का? लेवल 5 का चांस नहीं, पूरा वो कंफर्म बोले हैं, उनके पास एक डेट का चार्ट था, वो हो सकता है नोटिस में भी आ जाए जल्दी से कि 4th week of November ये टेंटेटिव डेट है, थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन नवंबर में आ जाएगा, लास्ट नवंबर तक। इसका पैनल होगा वो एकदम क्लियरली बोले कि आपको लेट लग रहा है तो ये बताइए कि अभी डीवी वाले के लिए बुला रहे हैं, डीवी मेडिकल वाले को, तो उसका पहले मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद मेडिकल हॉस्पिटल से हम लोग के पास रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट को अपलोड करेंगे हम लोग, फिर पैनल बनेगा, तो टाइम तो लगेगा उतना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेवल 6 का सेकंड डीवी से मतलब नहीं है, वो फर्स्ट डीवी वाले को तुरंत पैनल बनाएगा 10 दिन के अंदर। ज्वाइनिंग सब लेवल का अलग अलग होगा या सबका साथ में होगा? सब लेवल का ज्वाइनिंग अलग अलग होगा, और सब लेवल का डेट भी बताए कि जनवरी में लेवल 6 का ज्वाइनिंग होगा, मार्च में लेवल 5 का ज्वाइनिंग होगा, मई में लेवल 3 का होगा, इसके बाद जून तक लेवल 2 का होगा, कंफर्म हो जाएगा। क्या बोल रहे मार्च में हम लोग का ज्वाइनिंग होगा मार्च तक। पूछे कि AWS अगर स्टेट का भी बना हुआ है, अगर फॉर्मेट में नहीं भी बना हुआ है वो भी चलेगा, और कोई भी ईयर का बना हुआ है वो भी चलेगा, और ईबीसी में जो लोग ईबीसी मिस्टेक से डाल दिया था और फी 500 ही दिया तो उसको ईबीसी का जरूरत नहीं है, उससे नहीं मांगा जाएगा, और जो लोग 250 फी दिया उससे मांगा जाएगा। बोलिए धीरज भाई। लेवल 5 में अगर फास्ट प्रोग्राम गुड्स गार्ड है ठीक है, अगर गुड्स गार्ड है फर्स्ट प्रेफरेंस और मेडिकल क्वालिफाई नहीं करते तो उसका दूसरा पोस्ट मिलेगा, कोई भी दूसरा पोस्ट, और एडजस्ट किया जाएगा, जैसा हम एक बार बहुत पहले भी बोले थे कि बैलेंस होगा कट ऑफ, मान लीजिए कोई सीनियर सीसीटीसी दिया है और उसका मतलब लास्ट कट ऑफ पे वो है, ठीक है, तो वो सिलेक्ट कर लिया अगर, तो उसको गुड्स गार्ड दे दिया जाएगा अगर मेडिकल क्वालिफाई होगा वो तब। वो लेवल 5 का रिजल्ट की पोस्ट वाइज आएगा या लेवल वाइज? पोस्ट वाइज आएगा। हेलो धीरज भाई। हाँ लेवल 5 का क्या सेकंड डीवी होगा? लेवल 5 का थर्ड सेकंड सब होगा भाई, डीवी कैसे नहीं होगा, पूरा सीट फुल होगा तब तक होते रहेगा। पहले नहीं होगा, पहले नहीं होगा, पहले सारा का फर्स्ट फर्स्ट डीवी कंप्लीट करेगा, बाद में होगा सेकंड डीवी, मतलब लेवल 2-3 का फास्ट डीवी आएगा उसके बाद होगा जब खाली रहेगा तब ना। हाँ पहले वाले का ज्वाइनिंग मिल जाएगा, इसके बाद वो डीवी होते रहेगा तो। ओके ओके, मैं खाली सीट पर बुला लेगा तब तो ना। हाँ तब तो मतलब दो ही चीज तो क्लियर करना था, रिजल्ट कब आएगा और ज्वाइनिंग कब तक होगा, तो दोनों तो क्लियर हो ही गया। और एक कंसर्न था कि वो तो बाहर ही पूछे थे कि हम अगर मान लीजिए कि किसी का 0.1 के लिए छूट गया है, अब वो सेकंड डीवी में उसको बुला लिया है, उसको इधर 5 में भी बुला लिया, तो कौन सा पोस्ट मिलेगा, तो वो एकदम क्लियरली बोले कि मान लीजिए 5 का अगर उसको पोस्ट भी मिल जाता है, वो पोस्ट पे चला भी जाता है, तो उससे उससे एक बार पूछा जाएगा कि आपको 6 का चाहिए, तो 5 छोड़ के आप 6 में आ सकते हैं। सही बात। अच्छा इतना सारा था, किसी का और कोई क्वेश्चन है? बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पे क्लियर हुआ, बहुत सारे लोग पूछ रहा था, तो सब और कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। अरे कितना लोग क्वेश्चन नहीं सही पूछ रहा होगा। अरे अंदर में भी एक था ऐसा लगा, जो चेयरमैन साहब कुछ बोल रहे थे वो कुछ बोल रहा था, चेयरमैन साहब से कट
कट ऑफ नहीं ना पूछ लिया कि कट ऑफ कितना रहेगा लेवल 5 हम तो उनको बोले कि सर ये हम तो ये बोले कि सर ये डेट शीट का पिक्चर ले तो बोले नहीं पिक्चर नहीं ले सकते हैं हम बोले तो एक नोटिस बना के ही डाल दीजिए वेबसाइट पे तो बोले डाला जाएगा क्या ये क्यों पूछेंगे भाई कोर्ट केस से उसको क्या मतलब है कोर्ट केस बिजनेस है किसी का कुछ नहीं है 25 बच्चे